सोशल मीडिया पर योगी सरकार को घेरते घेरते सपा मुखिया अखिलेश यादव अचानक खुद लोगों के निशाने पर आ गए हैं और सपा समर्थकों को समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये क्या होने लगा है। क्यों बेधड़क सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अखिलेश यादव बैकफुट पर हो रहे हैं और क्यों उन्हें अपनी पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और मौका मिलते ही यूपी सरकार खासकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगाने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ते। ताजा मामला असोथर का है जहां पर दो दलित भाइयों की दबंगों द्वारा पिटाई के मामले पर समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ पोस्ट अखिलेश यादव को भारी पड़ गया है। पोस्ट के बाद मामले की कुछ ऐसी हकीकत सामने आई कि आनंद फानन ने पोस्ट को डिलीट ही करना पड़ा। दरअसल असोथर थाना क्षेत्र के पुर बुजुर्ग चौराहे पर एक चाय समोसे की दुकान में दो सगे दलित भाई समोसा खा रहे थे कि तभी दोनों को दबंगों ने पीट दिया। इस घटना को लेकर सपा के एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से राजपूतों को निशाना बनाते हुए पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा था कि नशेबाज अंकित सिंह और नरेंद्र सिंह ने सत्ता और शराब के नशे में एक दलित व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि दलित व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर समोसा खा रहा था। अंकित सिंह है इसलिए ना उसका एनकाउंटर होगा और ना ही उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। यही है सीएम योगी का शर्मनाक जातिवाद। हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया गया। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई जिसके बाद पता चला कि दबंग राजपूत नहीं बल्कि यादव समाज से थे जबकि इससे पहले वो योगी सरकार पर उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा रहे थे। मामले में पीड़ित रमेंद्र कुमार ने थाने में तहरीर देते हुए जानकारी दी कि 10 सितंबर को वो अपने भाई विकास के साथ नरेनी से आ रहे थे। शाम में वो गांव के चौराहे पर एक दुकान पर समोसे खा रहे थे कि तभी असोथर के रहने वाले अंकित सिंह यादव और नरेंद्र सिंह यादव ने सूचक गालियां देकर उनके साथ मारपीट की। मामले पर पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का बयान भी सामने आया है जिसमें वो अखिलेश को और उनकी राजनीति को जमकर घेरते हुए मामले की हकीकत बताते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जातिवाद के राजनीति के सबसे निचले स्तर पर उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने ये तुरंत ट्वीट किया कि चूंकि हमला करने वाले सिंह है यानी राजपूत है तो योगी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। उनमें गिरफ्तारी भी हो गई लेकिन वो राजपूत नहीं थे, अंकित सिंह यादव थे, नरेंद्र सिंह यादव थे। उसके बाद आपने तुरंत ट्वीट अपना डिलीट किया। फिलहाल जाति की राजनीति पर सवार अखिलेश के लिए ये बड़ा झटका है। घटना को लेकर किया पोस्ट डिलीट करने से अखिलेश यादव की जमकर किरकिरी हो रही है। लोकसभा की इस हरकत को शर्मनाक और गैर जिम्मेदार भी बता रहे हैं। गौरतलब है कि इससे दो दिन पहले भी अखिलेश यादव ने जाति की राजनीति करते हुए एक बड़ा बयान दिया था जिसको लेकर सियासत तेज हो गई थी। अपने बयान में अखिलेश ने यूपीएसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स करार दिया था जिस पर पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने सवाल उठाए थे। ब्रजलाल ने अखिलेश यादव की इस टिप्पणी को भद्दी और बेहद आपत्तिजनक बताया था।